नमस्कार, मेरा नाम विजय प्रिंस हुआ। महोदय, मैं आपको बताता चलूं, वर्ष था 2017 और 19 का। संसद में एक बैठक होती है कि क्यों इतने सारे लोग जो हैं अप्रशिक्षित लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उन बच्चों के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। संसद में बैठे तमाम लोगों ने कहा कि हाँ, यह बिल्कुल अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ एक ठोस कदम उठाना चाहिए। तो संसद में बैठे लोगों ने कहा कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए जिसके माध्यम से तमाम अप्रशिक्षित शिक्षक जो हैं वह प्रशिक्षित हो सके। इसकी जिम्मेवारी MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से NIOS को दी गई। उन्होंने कोर्स का मॉड्यूल तैयार किया जो कि बिल्कुल रेगुलर DLED के समकक्ष में, जो कोर्स उन्हें पढ़ना है वो कोर्स NIOS DLED को भी पढ़ाना था हम सभी को, और हम सब ने पढ़ा भी है। हमारी कोर्स कंप्लीट हो जाती है 2019 में। 2020 में पटना हाई कोर्ट में केस चलता है, जजमेंट आता है कि हम NIOS वालों की जीत होती है। फिर उसके बाद ये डिग्री 4 साल तक लाइट में रहती है, 4 साल तक लोग इस पे गवर्नमेंट का जॉब लेते हैं। तमाम 5 स्टेट्स से इसकी जीत होती है, 5 स्टेट्स के बच्चे जॉब कर रहे होते हैं। अचानक 28 नवंबर 2023 को हम NIOS अभ्यर्थियों के लिए काला था हम सभी को, और हम सब ने पढ़ा भी है। हमारी कोर्स कंप्लीट हो जाती है 2019 में। 2020 में पटना हाई कोर्ट में केस चलता है, जजमेंट आता है कि हम NIOS वालों की जीत होती है। फिर उसके बाद ये डिग्री 4 साल तक लाइट में रहती है, 4 साल तक लोग इस पे गवर्नमेंट का जॉब लेते हैं। तमाम 5 स्टेट्स से इसकी जीत होती है, 5 स्टेट्स के बच्चे जॉब कर रहे होते हैं। अचानक 28 नवंबर 2023 को हम NIOS अभ्यर्थियों के लिए काला दिन आता है। सुप्रीम कोर्ट के पटल से एक जजमेंट आता है कि आपकी डिग्री इनवैलिड हो गई है। एक ऐसा दिन जो हम NIOS अभ्यर्थी कभी नहीं भूल सकते, हमारे लिए वो सबसे काला दिन के रूप में माना जाता है। और तब से लेकर के तमाम हमारे KVS के बच्चे हो, या फिर वो BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 के बच्चे हों, या फिर तमाम अपकमिंग वैकेंसी के बच्चे हों जिन्होंने इस भरोसे इस NIOS की डिग्री से किया था, NIOS की डिग्री को किया था कि वो अपकमिंग वैकेंसी में या फिर जो चल रही वैकेंसीज है उनमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ऐसा हो न सका, दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे देश के। सच पूछिए तो क्या उन्होंने बनाया था, इस कोर्स का मॉडल तैयार किया था, ये समझ से परे है। तो हमारी गुजारिश होगी संसद में बैठे उन तमाम हमारे चहेते नेताओं से, और साथ ही साथ अपने आप को सो कॉल्ड कहने वाले कि हाँ हम बहुत बड़े 30 मार्क हैं, तो क्यों ना इस कोर्स को आप वैलिड करा देते हैं। एक छोटा सा वाक्यांश है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब भी कोई माता पिता अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने संतान की पूरे तरीके से देख रेख करेगी। मोदी गवर्नमेंट हम लोगों के लिए ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस करती है। तमाम सभी चीज़ें 4 साल 5 साल के लिए सही चल रही होती है, अचानक सुप्रीम कोर्ट के पटल से यह खबर आती है कि यह कोर्स इनवैलिड है। तो क्यों ना हमारी माननीय मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट इस चीज़ को डिफेंड कर रही है, क्यों नहीं इस कोर्स का बचाव करने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में उतर रही है। जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी सरकार क्यों नहीं इस कोर्स को बचाव करने के लिए, या NCT क्यों नहीं इस कोर्स को बचाव करने के लिए, या NIOS क्यों नहीं इस कोर्स को बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है। धन्यवाद। नाम दीपक है और हम बिहार से, हम NIOS के थ्रू किए हैं। NIOS भारत सरकार की संस्था है, उसके बाद उससे जब हम लोग डिग्री किए हमारी एडवर्टाइजमेंट आई, एडवर्टाइजमेंट में पूरा लिखा हुआ था कि हमारी कोर्स 2 वर्ष की है और इस कोर्स को करने के बाद सरकारी या प्राइवेट किसी भी विद्यालय में हम पूरा देश भर में पढ़ा सकते हैं। इस कोर्स को हम सब लोगों ने मिलकर किया, अपने बिहार से हम 3.5 लाख और पूरे देश से लगभग 14 लाख लोग इनरोल किए। 7 साल के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि हमारी कोर्स इनवैलिड हो गई है। तो क्यों ना हमारी माननीय मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट इस चीज़ को डिफेंड कर रही है, क्यों नहीं इस कोर्स का बचाव करने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में उतर रही है। इसमें दुर्भाग्य से देखिए कि इसी एक सर्टिफिकेट पे हमारे NIOS के कुछ साथी जॉब में है और हम लोग फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। NCT और MHRD के गलती के कारण हमारी डिग्री अमान्य हो जाती है। तो ये बताइए ये कहाँ की गलती, हमारी बच्चे के, ये हम लोग बच्चे की क्या गलती है, इसमें पूरी तरह सरकार की गलती है। हमारे मीडिया बंधु से ये आग्रह है कि हमारी बात को ये सरकार तक पहुँचाया जाए और हमारी डिग्री का मान कराया जाए, नहीं तो अभी तो हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर है, ये